जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा पुलिस कमांडो का फिजिकल देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी दोस्तों के जो मेरे पास कमेंट्स आए और WhatsApp पे जो मैसेज आए हैं उनको देखते हुए मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उनका भी फिजिकल है तो वो भी पूछना चाह रहे हैं कि कितना हाइट, चेस्ट क्या मांग रहे हैं, क्या हाई जंप कैसे हो रहा है, चिनअप का क्या रोल है। और दोस्तों संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आपको वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो स्टार्टिंग में आपका जो हाइट और चेस्ट मापा जा रहा है बिल्कुल नॉर्मली आपका मापा जा रहा है हाइट और चेस्ट, ठीक है। चेस्ट आपका बिल्कुल नॉर्मली लिया जा रहा है। कई जो अभ्यर्थी है उनको डाउट है कि मैं चेस्ट में रह जाऊंगा, तो दोस्तों बिल्कुल ही आपके ऊपर से चेस्ट नापी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट और चेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात है जो आपका हाई जंप की बात आती है दोस्तों, तो आपको हाई जंप कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को वीडियो में एंड में बता दूंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। हाई जंप में ज़्यादातर बंदे बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनको हाई जंप में प्रॉब्लम हो रही है, करने का सही तरीका उनको नहीं पता है। तो सबसे ज़्यादा जो बंदे बाहर हो रहे हैं वो हाई जंप में ही हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं पूरी बताऊँगा आपको कि कैसे क्या डिटेल आपको कैसे क्या करना है हाई जंप में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है चिनअप का नंबर। तो दोस्तों चिनअप्स जो है आपकी 8 ही लगानी है, 8 से ज़्यादा लगाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन 8 तो आपको लगानी ही लगानी है। 8 से कम अगर आप लगाते हो तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। तो चिनअप आप बिल्कुल ध्यान रखना, चिनअप तो कोई भी लगा देगा, चिनअप तो आपको 8 से एक ज़्यादा ही लगाओ चाहिए, लेकिन 8 से कम नहीं लगानी है। और दोस्तों आपको हाई जंप में तीन मौका दिया जाएगा, 3 बार आपको हाई जंप वहाँ पे करके दिखा सकते हो, चाहे पहली बार में करो, चाहे दूसरी बार में, चाहे तीसरी बार में, नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपका हाई जंप है वो आपको कैसे करना है, क्या सिस्टम है हाई जंप में। तो हाई जंप के लिए दोस्तों अपने आप में विश्वास पैदा करने, मन से असफलता का डर निकालने के लिए नियमित प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, तो देखिए हाई जंप में सफलता के लिए लगातार अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें दौड़ने की गति, पंजों के टांगों की उछाल और बार के ऊपर बॉडी की पोजीशन और जो बार क्रॉस उछाल करने के लिए लैंडिंग पोजीशन आदि विशेष महत्वपूर्ण है। यदि आप इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल ही सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें पोजीशन देख लिए, इस टाइप की पोजीशन आपको वहाँ पे हाई जंप के टाइम में बनानी है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कैसे वहाँ पे आपको जंप जो है करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रख देने की ज़रूरत है कि आप हाई जंप जो है बार के सामने सीधा न खड़े होकर सीधी दौड़ लगाकर ऊंची छलांग लगाना बहुत मुश्किल होता है। आपको सफलता पाने के लिए छाता के डंडी, यानी कि आपको जे आकृति के जैसे मैंने आपके वीडियो में दिखाया है वैसे आकृति आपको बनाते हुए जंप आपको करना है। ऊंची कूद के लिए लैंडिंग पॉइंट से या अपनी लंबाई की सुविधा के अनुसार लगभग 9 फुट की दूरी से हाई जंप करने की आवश्यकता है, ठीक है। 9 फुट की दूरी तक आपको हाई जंप करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।